आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इम्पोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती के बावजूद खाद्य तेलों का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक साल के दौरान इम्पोर्ट ड्यूटी और कृषि कल्याण शेष में रिकॉर्ड 40% की कटौती हो चुकी है, लेकिन खाद्य तेलों के दाम में हो रही वृद्धि पर काबू नहीं लग पा रहा है। मौसम साफ होने से जहां उत्पादक मंडियों में नई सरसों की दैनिक आवकों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं नई के साथ ही पुरानी सरसों की कीमत में मिला जुला रुख बना हुआ है। सरसों के खरीद भाव में जहां बीपी ऑयल मिल आगरा ने 100 रुपए की बढ़ोतरी की है, वहीं आगरा ऑयल एंड जनरल इंडस्ट्री ने 100 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती भी की है। केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क शून्य करने से मसूर की कीमत पर दबाव देखा गया है। प्रमुख उत्पादक मंडी में आयातित के साथ ही देसी मसूर के दाम कमजोर हो गए हैं। उड़द में स्टॉकिस्टों की सक्रियता से तेजी बनी रही। सोयाबीन की आपूर्ति पिछले एक पखवाड़े के अंतराल उत्पादक मंडी में घट जाने से सॉल्वेंट प्लांट रुपए प्रति टन बढ़ गए हैं। अब यहां से एक बार माल बेचना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घटने से निर्यातक ऊंचे भाव में माल नहीं पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम 10 से 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 12.03 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.53 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। साउथ अमेरिका में सोयाबीन के उत्पादन अनुमान में कटौती की गई है। इस बार ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम रह सकता है। दरअसल वहां सूखे के हालात हैं, जिससे सोयाबीन की फसल उत्पादन पहले से कम रहेगी, जिससे वैश्विक सोयाबीन उत्पादन पर इसका असर पड़ सकता है। इस साल कपास उत्पादन में गिरावट के बावजूद रिकॉर्ड रेट मिल रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की मंडी में 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से कपास की खरीद हुई है। दरों में वृद्धि से न केवल किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि बाजार समितियों की उत्पादकता भी बढ़ी है। 3 हफ्तों की तेजी के बाद गेहूं में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में $801 के नीचे भाव आ गया है। फरवरी में अब तक गेहूं का भाव 4% बढ़ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी आई है, वहीं नई ऊंचाई पर सीपीओ के दाम पहुंच गए हैं। बता दें, मलेशिया में उत्पादन गिरने की आशंका से सीपीओ के दाम चढ़े हैं। लेबर शॉर्टेज के कारण उत्पादन गिर सकता है। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।